दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाली हूँ। जनरली फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस तो एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, बट इसको जान लेना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये इंग्लिश कन्वर्सेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जानते हैं कि देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उन सब के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। इस वीडियो में मैं हर एक सेंटेंसेस के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ विद एग्जांपल्स। फंक्शन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 कंपेयरिंग, 2 डिस्क्राइबिंग, नंबर 3 स्टेटिंग। मतलब असर्टिव सेंटेंस कंपेयर करने का, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का और स्टेट करने का फंक्शन करता है। अब एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। हर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन योर्स, ये कंपेयर कर रहा है और ये फंक्शन ऑफ असर्टिव है जो कि कंपेयरिंग। यहाँ पे हर हैंड राइटिंग जो है किसी और से, मैंने दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है। दूसरा फंक्शन जो है इसका डिस्क्राइबिंग, उसका एग्जांपल है द बॉय वाज ड्रेस्ड अप वेरी वेल। मतलब बॉय जो है बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, तो मतलब बॉय जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो किस सेंटेंस के हेल्प से होता है, असर्टिव सेंटेंस के हेल्प से। थर्ड फंक्शन जो है स्टेटिंग, उसका एग्जांपल है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है स्टेट किया गया डायरेक्टली, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको को पता है अर्थ मूव्स राउंड द सन और ये एक स्टेट है, तो स्टेटिंग करने में भी असर्टिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कम टू द सेकेंड वन, फंक्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, आस्किंग फॉर परमिशन एंड इंक्वायरिंग। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हाउ डिड यू कम टू दिस प्लेस, ये एग्जांपल है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ऐसे प्लेस में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पूछा जाए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को जानने की डिज़ायर हो। तो यहाँ पर हाउ डिड यू कम टू दिस प्लेस, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है ना, तुम यहाँ पे कैसे आए हो, इस प्लेस में कैसे आए हो, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। अब नंबर 2 आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन के लिए, तो एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, ये यूजुअली हम लोग को यूज़ होता है नॉर्मली, तो ये जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फंक्शन क्या कर रहा है, एक परमिशन पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक परमिशन पूछने का काम कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आ जाता है इंक्वायरिंग। एग्जाम्पल है हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, यहाँ पे एक इंक्वायरी किया जा रहा है कि इस ग्लास को किसने तोड़ दिया। तो इस केस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना एक फंक्शन कर रहा है, वो है इंक्वायर करने का कि ग्लास को किसने तोड़ा है। फंक्शन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसके भी थ्री स्पेशल या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, एडवाइजिंग, कमांडिंग एंड प्रोहिबिटिंग। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये एक एडवाइस है, किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, तो जब भी हम लोग किसी को भी एडवाइस देना चाहेंगे तो उस समय हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 कमांडिंग, इसके एग्जांपल है शूट, ये पूरा का पूरा एक कमांड दिया जा रहा है कि शूट कर दो। नंबर 3 प्रोहिबिटिंग, इसके एग्जांपल है डोंट स्मोक इन दिस सैक्रेड प्लेस। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है रोकथाम करने का भी काम करती है कि यहाँ पर स्मोक करना मना है, कहीं भी पवित्र जगह पे या मंदिर पे या मस्जिद पे, किसी भी सैक्रेड प्लेस पे जो है स्मोक करना बहुत ही ज़्यादा मना है, तो वहाँ पे स्मोक ना करें। तो प्रोहिबिटिंग करने में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है। अब जो 4th टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके भी कुछ फंक्शंस हैं।
उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ. डिज़ायरिंग, विशिंग एंड प्रेइंग. डिज़ायरिंग के केस में एग्जांपल है लॉन्ग लिव आवर लीडर. तो यहाँ पे लीडर के लंबे समय तक जीवित रहने की डिज़ायर किया जा रहा है. तो ये एक फंक्शन हो गया. अब है विशिंग. तो अब बोले बना रहे. तो अब विशिंग के एग्जांपल्स हैं विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी. यहाँ पे एक जर्नी को हैप्पी करने का बहुत ही ज़्यादा विश एक्सप्रेस किया जा रहा है कि तुम्हारा जर्नी जो है हैप्पी हो. तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. अब लास्ट फंक्शन जो है प्रेइंग, उसके एग्जांपल है मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ. मतलब गॉड करे कि तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो. तो ये जो है एक तरह का प्रेयर है, एक तरह का प्रे किया जा रहा है कि तुम्हारा लाइफ में हर चीज़ अच्छा हो, हर चीज़ सक्सेस हो. तो ये तीनों जो है फंक्शन है ऑप्टेटिव सेंटेंस के. जब भी इस टाइप के इमोशंस हम लोग के मन में आते हैं तो हम लोग ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के हेल्प से सेंटेंस को बना सकते हैं. कम टू द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द फंक्शन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमिंग इन जॉय, ग्रीटिंग, एक्सक्लेमिंग विद सॉरो. एक्सक्लेमिंग इन जॉय के एग्जाम्पल्स हैं चीयर्स, हाउ नाइस टू मीट यू. द वर्ड चीयर्स वही जो है बता दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा जॉय, खुशी में बोल रहा है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा. नंबर टू ग्रीटिंग, इसके एग्जाम्पल हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. यहाँ पे भी वर्ड जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक ग्रीटिंग बता रहा है. ग्रीटिंग यानी कि जब भी हम लोग किसी पर्सन से फर्स्ट एनकाउंटर करते हैं तो मतलब मिलते हैं सबसे पहले उससे, तो कुछ ना कुछ कहते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब होता है. तो यहाँ पर जो है मीटिंग मिलते ही कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड का यूज़ किया गया. कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे इस डे के लिए बहुत ही ज़्यादा बधाई हो. बधाई का जो वर्ड है वो ग्रीटिंग के लिए ही यूज़ हुआ है. तो ऐसे केस में भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये भी जो है एक फंक्शन है, ग्रीटिंग भी एक फंक्शन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. अब आता है एक्सक्लेमिंग विद सॉरो. मतलब जब हम लोग को सॉरो मन हो, मतलब कि जब हम लोग का मन बहुत ज़्यादा सॉरो हो, तो उस समय हम लोग एक्सक्लेम करना चाहते हैं कुछ, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कुछ, अपने मन के फीलिंग को एक्सपोज करना चाहते हैं सबके सामने, तो उस समय हम लोग भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. तो एक्सक्लेमिंग विद सॉरो का एग्जांपल है अलास आई वाज नॉट लकी. बहुत ही दुखी वर्ड जो है अलास, वो सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है द वर्ड अलास, और बोल रहा है वो कि आई वाज नॉट लकी, मैं लकी नहीं था. तो ये जो है एक्सक्लेमिंग विद सॉरो, ये जो लास्ट फंक्शन हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और इसका एग्जाम्पल भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर है. ये सारे फंक्शंस जो है सभी सेंटेंसेस के हम लोगों को डीपली हेल्प करते हैं कि हम लोग कन्वर्सेशन फ्लुएंटली कर सकें, हम लोग का किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न ना हो कि किस फीलिंग के समय, किस इमोशन के समय कौन सा सेंटेंस यूज़ करें. वैसे तो जनरली और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि इनवाइटिंग, डिमांडिंग, डिफाइनिंग, ये सब भी किसी ना किसी सेंटेंस के फंक्शन है. बट आज के वीडियो में बस इतना ही होप यू एंजॉयड द वीडियो. लास्ट में बोलिए एंड गेट माय पॉइंट. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.